नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ और यह केस है फ्लैट वार्ट या विरूपा प्लाना का। यह केस ग्वालियर से है और इस लड़के को पिछले 4 सालों से फ्लैट वार्ट की प्रॉब्लम थी और इन्होंने मुझसे जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, केवल सबसे पहले इन्होंने मुझसे जो कॉन्टेक्ट किया था 30 अगस्त 2021 में हमसे कांटेक्ट किया और जूम कॉल के द्वारा इन्होंने कंसल्टेशन बुक किया और हमने इनसे बात किया। इन्होंने बताया मुझे कि 4 साल से इनको वार्ट है, अभी 1.5 से 2 साल से करीब इनके वार्ट बढ़ने लगे। 4 साल पहले इनको हाथों पे आए थे, अब ये वार्ट पूरे चेहरे को इनको कवर कर चुके हैं। मैंने इनको अपने इलाज की प्रक्रिया बताई कि हम बाल के द्वारा इलाज करते हैं, आपको केवल बाल भेज देना है और यहाँ तक आने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, इनको तो समझ में थोड़ी बहुत बात भी आ भी गई, लेकिन जब इन्होंने घर में बताया कि हम ऐसी प्रक्रिया द्वारा इलाज अपना कराना चाहते हैं कि जहाँ पर केवल बाल भेज देना होगा और खाने की कोई दवा नहीं मिलेगी, तो घर वालों ने तुरंत मना कर दिया, विरोध किया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं, तो शायद ये कोई ऑनलाइन फ्रॉड होगा, इसके चक्कर में मत पड़ो। फिर वो कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाते रहे और लेकिन ये इस बीमारी से तंग आ गए थे क्योंकि चेहरा खराब हो गया था, ये पब्लिक को फेस करने में इनको प्रॉब्लम होती थी। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया, एक बार फिर से कंसल्टेशन बुक किया और मुझसे फिर से बात की। मैंने इनको समझाया कि आपका शायद समय नहीं आया था, इसलिए मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सका, आप हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले सके। इसके बाद उन्होंने वहाँ से बाल भेजा और मैंने इनका इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के करीब 2 महीने तक इनको लाभ नहीं हुआ। इनसे मैंने एक बार जूम कॉल से बात भी किया बीच में, इन्होंने बताया थोड़ा बहुत केवल लाभ है, लेकिन जब हमने फोटोग्राफ्स कंपेयर की तो उसमें बहुत लाभ नहीं था। तो हमने इनकी केस की हिस्ट्री को फिर से पढ़ा और एक नई दवा का चुनाव किया और उस दवा को हमने अपने ही सेंटर से यहाँ से बदल दिया। तो पहला इनका जो ट्रीटमेंट चला था, 8 अक्टूबर से मैंने इनका इलाज चालू किया था और 26 नवंबर को हमने इनकी दूसरी दवा लगा दी। बाल को हम क्या करते हैं, उसी बाल को एक वॉश करते हैं और एक दूसरी शीशी में लेकर इनका बाल लगा देते हैं और जैसे हमने इनका बाल लगाया कुछ दिनों के अंतर पे ही यह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। अभी कल, आज 16 फरवरी है, कल 15 फरवरी 2022 को मैंने इनसे बात किया और देखिए ये रोगी कितना खुश है, इनके पूरे के पूरे वार्ड जा चुके हैं, पूरा इनका चेहरा क्लियर हो गया, हाथ पैर पे जो वार्ड थे वो सारे चले गए और अब ये इतना खुश है कि इन्होंने हमसे कहा कि अब ये जहाँ जाते हैं हर व्यक्ति को बताते हैं कि अगर आपको वार्ड की या कोई ऐसी समस्या है तो आप बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा विधि से इलाज लें। जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। जी सर, क्या प्रॉब्लम? कर लिया सर। क्या प्रॉब्लम सर? राघव सर वर्ड्स हो गए सर फेस पे मेरे। सर 1 साल हो गया है। चेहरा इधर पे, और सर हाथों हाथ में भी हुए या नेक पे भी है बैक? ठीक है ठीक है। क्या क्या इलाज कर चुके हैं इसके लिए आप? सर इसके लिए मैंने सबसे पहले होम्योपैथिक करवाया था, तो वो मैंने सर 1 महीने लिया था, फिर लॉकडाउन लग गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद एलोपैथी लिया था, तो उसमें एलोपैथी वाले डॉक्टर ने विटामिन की टेबलेट और जिंक की टेबलेट दी थी, तो अभी कंटिन्यू चल रही है वो, बट उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही सर। अभी विटामिन और जिंक से वार्ड कैसे ठीक होगा सर? ये तो आप ही बताइए, जो स्किन डॉक्टर ही थे वो भी सर। चलिए ठीक है, उन्होंने अपने पास उनके पास जो था चलाया, उन्होंने अस्त्र अपना, अब हम अपना अस्त्र चलाएंगे जी सर और ठीक कर देंगे। बहुत परेशान हूं सर। हां मैं सर स्टूडेंट हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है परेशान होने की चीज ही है क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे हर आदमी टोकता होगा, क्या हो गया ये, क्या कर रहे हो इसमें, ये कर लो वो लगा लो, सर्फ लगा लो, चूना लगा लो, ये कर लो। और उन्हें फेस क्रीम भी दी थी सर, फेस क्रीम से और ज्यादा स्प्रेड हो गई।
आप कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपका इलाज कर दूंगा और घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे, आपको यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरा इलाज का आपको तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे और क्या इलाज होगा। ठीक है, ओके सर, हम जो आपको ट्रीटमेंट देंगे वो आपको एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस ऑनलाइन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में क्या करना पड़ेगा आपको, एक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से हम आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे डिटेल में, 1 घंटे का ये केस टेकिंग होगा। हम सर से बहुत बचपन से लेकर आज तक आपका सब कुछ पूछेंगे, उसके बाद आपके लिए एक दवा का चुनाव करेंगे। जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जिस तरह से सारे होम्योपैथी डॉक्टर देते हैं मीठी गोलियों में खाने के लिए। दूसरा तरीका, जिस तरह से मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, और मैं ट्रीटमेंट अलग तरीके से देता हूँ। इसमें एक ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें दवा को डाला जाता है, इसमें आपके सर का एक बाल लगा दिया जाएगा खाली। जब क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हमने सामने बाल ले लेते हैं, जब आप ऑनलाइन पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम आपका बाल बाई पोस्ट मंगाते हैं, आपको बाई पोस्ट अपने सर से 2 बाल निकाल के मेरे पास दे देंगे और उसको यहाँ मैं लगा दूंगा और दे दे करके आप ठीक हो जाएंगे बिना दवा को खाए हुए। ठीक, अच्छा जी ऐसे ही सर, मैं सब पेशेंट ठीक करता हूँ। बोलिए राघव। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर ये वर्क्स हो गए थे फेस पे और आफ्टरनून। हाथों में भी हो रहे हैं, इस एंड पे भी दर्द भी है पूरे हाथ में, और सर ये बैक में भी है और ईयर्स पे, और यहाँ पे दाढ़ी के नीचे भी है दर्द भी। अच्छा बहुत ज्यादा है। ठीक, यस सर, सर बैक में भी है नेक पे। आप फोटो भेज दीजिएगा सब, हम देखें। हाँ देख लीजिए, जी सर। सर ठीक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा कुछ? आपने मुझसे 30 अगस्त 2021 में बात किया था, फिर आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया था? सर थोड़ा वो फैमिली वगैरह बोल रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल, कैसे है, अभी तक सुना तो है नहीं है, तुम एक बार लोकल में होम्योपैथिक पे देख लो। फिर तो मैंने अभी आपने लोकल में, हाँ लोकल में जो नियर बाय मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे मैंने अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, पर उनसे कोई आराम नहीं मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है उनको ट्रीटमेंट लेने के बाद और थोड़े ज्यादा हो गए हैं। इसको नहीं ठीक कर पाता भाई, इसके लिए लग के इलाज करना पड़ेगा। हाँ, और कायदे से केस हिस्ट्री करके तभी हम आपका इलाज कर पाएंगे। पूरा 1.5 घंटा हम आपकी केस हिस्ट्री करेंगे, तब उसके बाद आपके लिए दवा का चुनाव करेंगे और ठीक हो जाएगा बीमारी। हमने बहुत सारे मरीजों में ठीक किया, एक मरीज नहीं। हाँ मैंने YouTube पे वो वीडियो दिखाया था, आपने फैमिली एक में देखा होगा मम्मी ना, वगैरह को दिखाया बहुत। था। हाँ आपने एक देखा होगा, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। आपको पूरा ट्रीटमेंट की प्रक्रिया मैंने पहले भी बता रखी है, बाल से इलाज होगा। सर ठीक है, जी बाल सर, खाली आपको भेज देना है, पेमेंट भेज देना है, बस उसके बाद हम आपका इलाज यहाँ से चालू करेंगे। सर थोड़ा कुछ जल्दी हो सकते हैं सर? जैसे मेरी क्या अभी कोरोना हुआ था मेरे को मई में, तो उसमें सर जल्दी रिकवर हो गए थे, सारे सही हो गए थे मेरे। ऐसा तो नहीं सकता। मतलब क्या है, MBA, मैंने MBA के लिए अप्लाई कर दिया है, तो कॉलेज वगैरह चालू होंगे तो इसमें। देखिए, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ठीक करने। ठीक, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 1 हफ्ते में ठीक हुए हैं, और ऐसे पेशेंट हैं जिनको 6 महीना 7 महीने लग गया है। अब आप किस कैटेगरी में अच्छा आएंगे मैं नहीं जानता हूँ। जी सर, ठीक है, चलिए।
सर पहले से तो थोड़ा आराम है, पर सर कुछ नए वर्ड्स भी हो रही है मेरी। इधर भेजिए फिर। आओ इधर कीजिए। ठीक अगर इस तरह से प्रोग्रेस रही तो हमको लगता है 15-20 दिन के अंदर सब चले जाएंगे। अच्छा सर चले आएंगे पक्का सर? अच्छा सर कुछ नए भी हो रहे हैं वो, मतलब क्या सही होने का साइन है? नए नहीं हो रहे हैं, वहां पे स्वेल कर रहे हैं, बर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा लक्षण है, जी सर, सब गायब हो जाएगा। बढ़िया, स्मार्ट हैंडसम। अच्छा जी सर, ओके थैंक यू सर। बस यही पूछना था, क्या वो पीले नेक पे भी यहाँ पे हो गए थे, कुछ बियर्ड में इचिंग भी हो रही थी यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत बिल्कुल दिनों से। परेशान मत हो, देखना कैसे गायब होगा। ठीक है, ओके जी सर, थैंक यू सर, जी सर। ओके। हेलो कैसे हैं आप? सर, अच्छे हैं अब तो? बात तो ठीक हो गए सब आपके? हाँ सर, पूरे सही हो गए सर, बिलीव ही नहीं हो रहा, मतलब सारे सही हो गए हैं। क्या चीज बिलीव नहीं हो रहा है? ये इतनी जल्दी सही हो गए, मतलब जो अभी तक हो नहीं रहा था। इतनी मेडिसिन ले ली मैंने, होम्योपैथिक भी लिया था और डर्मोलॉजिस्ट से दिखवाया था सर। बहुत अच्छा। और आप इस बीमारी से, जो सर हमारे पास जो आपने हमको बताया था कि आप इस बीमारी से कितने साल से परेशान थे? 2 साल हो गए थे। 2 साल? अच्छा, यस आपने हमको ये जो दिखाया है, हाँ, 2 साल से आप परेशान थे इससे। और ये जो आपने हमको पहली बार फोटो भेजी थी ना, जब आपने हमको पहली बार दिखाया था, उस समय की कंडीशन देखे क्या थी आपकी? ठीक है, यस ये सर, देखा मैंने, ठीक है, बहुत यस सर, अच्छा। बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे। मेरे पे भी सर फोटो रखी है मेरे, मैं अभी जब कोई पूछता है ना तो मैं अपने प्रीवियस फोटो और अभी के करंट का फेस दिखाता हूँ, तो वो लोग भी नहीं करते, वो बोलते मेरे को भी नंबर दो डॉक्टर का। तो मैं आपका नंबर, जहाँ भी जाता हूँ मैं आपका नंबर हर बार शेयर करता हूँ, बहुत अच्छा। तो आप ये भी बताते बहुत हैं कि हम ज्यादा। बाल से इलाज करा रहे हैं, बिना दवा को खाए हुए ठीक हो रहे हैं? यही यही तो लोग बोलते हैं ना, सब लोग जो पूछता है वो बोलते हैं कि यार ये ऐसे हो कैसे सकता है, अभी तक तो हम लोगों ने सुना नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जो मेरा प्रीवियस होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, मैंने उनको भी आपका नंबर रेफरेंस के तौर पे दिया है, जिससे वो आपको शायद वो ले सके, आपसे कॉन्टेक्ट कर सके सलाह वगैरह कुछ, क्योंकि वो खुद कहाँ बिलीव नहीं कर रहे थे। यस कहाँ ग्वालियर के हैं? सर, क्या नाम उनका? सर उनका धीरेंद्र गुप्ता है। ठीक है, उनका नंबर हमको शेयर कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे कभी। जी हाँ, सर, जी सर, ग्वालियर में सर बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के भी, पर मतलब उनने अभी तक ये, जिसको भी मैंने ये बताया है ना, सब वो बोल रहे हैं ये शायद कुछ फर्जी हो सकता है, तुम पढ़ना मत, इस चक्कर में मत पढ़ना। तो मैं रिस्क मैंने मैं मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है, मेरे वर्क सही हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ जो और लोग हैं जिसके जो अभी तक परेशान है वो लोग भी परेशान ना हो, तो इसलिए आपका नंबर मैंने सर शेयर किया है सब जगह। बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, आपको भी तो देखिए, हर आदमी को पहली बार जब कोई बताओ ना तो विश्वास नहीं करता। आपको भी जब मैंने पहली बार फोन बताया था, जब आपके जूम कॉल हुई थी, मैंने आपको बताया था हम बाल से इलाज करेंगे, तो यस आपको भी सर, विश्वास नहीं हुआ था। ठीक है ना, हाँ सर, बिल्कुल नहीं हुआ था ना। हाँ लेकिन आपने चूंकि इतना थक चुके थे आप इस बीमारी से, थक हार के आपने हमसे हाँ डील कर लिया था, चलो अब एक बार ये यस भी सर, ट्राई बस करते हैं। ठीक, तो हमारा रिजल्ट हमारे हाँ विश्वास दिलाते हैं, बाकी और कुछ थोड़ा होता है। ठीक है, यस सर, तो जी सर, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। हाँ और पूरे सही हुए सर। यहाँ पे भी थे ना जो ये नेक पे, हाँ ये थोड़े ज्यादा पुराने थे, ये हाँ इधर जो हुए थे सर फर्स्ट टाइम यहीं पे हुए थे मेरे, तो ये शायद 3-4 साल पुराने हो गए थे। फिर ठीक है, यहाँ से ये सारे जो डर्मोलॉजिस्ट से मैंने दिखाया था, उनने क्रीम दी थी वो दी थी, तो उससे ये सारे स्प्रेड हो गए थे पूरे फेस पे। ठीक है, गुड। अब तो ये समझ लिए नई लाइफ है, क्योंकि आप उससे फेस नहीं कर पाते होगे लोग ना, लोगों को
हाँ सर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, आप कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी आप सारे फोटोग्राफ मुझे शेयर कर दीजिएगा, अभी अभी आज ही करिएगा, तुरंत अभी किसी से बोलिएगा, बैक कैमरा से सारी फोटो खींचेंगे और हर फोटो को डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। मेरे क्लिनिक पर जब कोई गरीब आता है तो उसके मन बड़ा स्वाभाविक सा सवाल होता है कि दवा खा के तो हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तरह तरह का दवा लगा के ठीक ही नहीं हो रहे हैं, और बाल के द्वारा कैसे इलाज हो जाएगा और कैसे हम ठीक हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है मेरे पास से पेशेंट इलाज नहीं लेते हैं और चले जाते हैं, और समय जब उनका आता है तो फिर मेरे पास आते हैं और मैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सभी रोगियों को एक इंडिविजुअल मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीटमेंट देता हूँ। हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत दवा होती है जो केस हिस्ट्री के अनुसार चुनी जाती है। हमसे यूट्यूब चैनल पे मैंने कमेंट करके लोग पूछा करते हैं इसकी दवा बता दीजिए, इसकी दवा बता दीजिए, तो यह संभव नहीं है। आपने इसी केस में देखा कि पहली वाली दवा से फायदा नहीं हुआ और दूसरी वाली ही दवा से फायदा हुआ जो इनकी स्पेशल चुनी गई दवा थी। तो यदि जब तक एग्जैक्ट दवा नहीं चुनी जाएगी तब तक रोगी को फायदा नहीं होगा। विरोका प्लेना या फ्लैट वार्ट या प्लेन वार्ट को कभी भी काट कर जला कर चूना लगा कर एसिड लगा कर इसको ठीक करने की आप कोशिश ना करें, नहीं तो यह बीमारी हमेशा बढ़ती जाएगी और चेहरा बेभत्स हो जाएगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने कुछ कॉस्टिक वगैरह या चूने वगैरह लगा लिए हैं जहाँ पर उनका चेहरा तक खराब हो गया है। तो आइए देखिए मेरे साथ यह केस जो एकदम निराश हो चुका था और उसके जीवन में होम्योपैथी अपनाने से कैसे परिवर्तन आया और वह भी केवल ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको यदि इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो आप लखनऊ में यह क्लिनिक स्थित है, आप आ सकते हैं। आने के पहले एक बार मेरी वेबसाइट raviclinic.com को विजिट जरूर कर लें और उससे सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। यदि आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है तो raviclinic.com पर जाएं और वहां पर अपना एक कंसल्टेशन बुक करें। कंसल्टेशन बुक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी पड़ी है, वहां से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको तरह तरह के बीमारियों के वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।